8.12 क्वेश्चन छे एमां कयुं 100 वोटना बल्ब नी कार्यक्षमता 5% छे एनो मतलब वपराशमां आवतो पावर केटलो तो वपराशमां आवतो पावर 5 वोट थशे 100 ना 5% एटले 5 वोट कही शकीए हवे तीव्रता फाइंड करवी छे 1 मीटर अंतरे अने 10 मीटर अंतरे तो अहींया समज राखीए बल्ब बिंदु उद्गम छे एटले चारे दिशामां एक सरखो फैलाशे एटले एनी जे क्षेत्रफळनी सपाटी आवे गोळी आवशे जो कोई ट्यूबलाइट के ए टाइप नो उद्गम होय तो एमां नळाकार सपाटी आवे अहींया आपणा माटे आवशे गोळीय सपाटी बल्बना माटे तो उगम बिंदु थी आर ना आसपास जे क्षेत्रफळ छे ए 4πr² आवशे गोळीय सपाटी हशे 4πr² नुं क्षेत्रफळ लेवुं पड़शे तीव्रता नुं सूत्र थशे ऊर्जा भाग्या समय गुण्या क्षेत्रफळ थाय बीजा शब्दोमां ऊर्जा भाग्या समय एटले पावर भाग्या क्षेत्रफळ जे मैं तमने आगळ तीव्रताना इक्वेशन लखाया हता तो तीव्रता बराबर पावर भाग्या क्षेत्रफळ आवशे हवे एना पछी आपणे अहींया समजीए तो पावर 5% 100 वोटनो लेवानो छे एटले 100 वोटना 5% एटले 5 वोट आपणने मळशे नेक्स्ट पछी आगळ चेक करीए तो उद्गमथी 1 मीटर अंतरे हवे उद्गमथी 1 मीटर अंतरे तीव्रतानी वात थशे तो आई बराबर चेक करीए तो पावर पी भाग्या 4πr² पावर 5 वोट छे अने भाग्या 4πr थशे ए पहला 1 मीटर लेवाना छे तो 1 नो वर्ग करी नाख्यो तो आपणा माटे आंसर मळी जशे 0.398 वोट पर मीटर स्क्वेर एटले के 0.4 वोट पर मीटर स्क्वेर आनो एकम थशे 10 मीटर अंतरे 10 मीटर तो आर बदली काढवानो अने 10 मीटर कर दो बाकी कोई रिलेशन में चेन्ज नहीं आवे तो उद्गम थी 10 मीटर अंतरे तो 5/4π 10 नो वर्ग थी जशे तो आपणे अहींया 100 आवी जशे ने वेल्यू फाइंड करी दईशुं तो 0.004 वोट पर मीटर स्क्वेर तीव्रता मळे